आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पर्व पर शिव की नगरी में धूमधाम रही। परंपरागत उत्साह धार्मिक भावना के साथ भगवान शिव की नगरी में कृष्ण कन्हैया की जन्म के उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं सिवनी का कृष्ण मंदिर। कृष्ण मंदिर में रात 12 बजे का अर्थात 26 अगस्त 2024 और 27 अगस्त 2024 की दरमियानी रात 12 बजे का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण का ये श्रृंगार आप देख रहे होंगे सिवनी में दुर्गा चौक स्थित भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण मंदिर। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं कृष्ण कन्हैया गोपाल न जाने कितने नामों से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं वैसे तो न जाने कितने देवालयों में हैं, पर मान्यता है कि बहुत प्राचीन ये श्री कृष्ण मंदिर है जिसे कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस कृष्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ आपको दिख रहा होगा और यहाँ रात 12 बजे के लगभग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तों की भीड़ यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। प्रांगण इतना छोटा आपको दिख रहा होगा जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये देवालय कितना प्राचीन है। बहुत प्राचीन देवालय दुर्गा चौक में स्थित इस देवालय को आप देख सकते हैं। अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। रात 12 बजे के लगभग यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अधेड़, वृद्ध सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की आरती यहाँ पर चल रही है। 12 बजे रात का समय और कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण, ये देखिए पुजारी बाहर निकलकर घड़ी में भी समय देख रहे थे कि समय कितना हुआ। ये देखिए बीचों बीच यहाँ पर घड़ी लगी हुई आपको दिख रही होगी। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के इस देवालय में ये आपको देखिए 12 बजने में कुछ ही मिनट यहाँ पर शेष हैं और 12 बजे फिर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अभी फिलहाल भक्तों के द्वारा यहाँ पर आरती चल रही है। बस एक या दो मिनट का समय शेष 12 बजने में और इस दौरान भक्त यहाँ पर आरती करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भक्ति भाव के साथ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण के भक्त। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शिव की नगरी कहलाती है सिवनी, भगवान शिव के नगरी माना जाता है सिवनी को और सिवनी का श्री कृष्ण मंदिर दुर्गा चौक में स्थित है। रात 12 बजे यहां पर आरती चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण कन्हैया कुछ देर में ही उनका जन्मोत्सव यहाँ पर संपन्न होगा। लोग यहाँ आप देख सकते हैं सेल्फी भी ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत भक्ति भाव के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुजारी अंदर भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार और पूजन में वे यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं, पूजन में रत हैं। कितनी मोहक प्रतिमाएं श्री कृष्ण मंदिर में, सिवनी के इस कृष्ण मंदिर में बहुत ही मोहक प्रतिमाएं यहाँ पर, ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, बहुत छोटी सी सुंदर सलोनी प्रतिमा यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। बाहर प्रांगण में आरती चल रही है और आरती देखिए यहाँ पर टंगी हुई भी है और आरती को ये सभी लोग यहाँ पर आरती गाते हुए आपको दिख रहे होंगे। भक्तिभाव के साथ सभी आरती में रत। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट।
गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे। इस गूंज के साथ शिव की नगरी में रात 12 बजे 26 अगस्त सोमवार और 27 अगस्त मंगलवार की दरमियानी रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परंपरागत उत्साह उमंग उल्लास धार्मिक भावना के साथ मनाया गया। आरती के उपरांत यहाँ देखिए आपको पुजारी सभी को आरती दे रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कीर्तन भजन भी यहाँ पर लगातार ही जारी रहे। 12 बज चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना लिया गया है। अब पुजारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि और लोगों को भी कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने दिए जाएं, बाकी लोगों के यहाँ से आगे बढ़ते जाएं, कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सभी के द्वारा कर लिए जाएं, ऐसी कुछ व्यवस्था बना ली जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा महिलाएं यहाँ पर भजन गाती हुई दिख रही हैं भगवान श्री कृष्ण के इस देवालय के परिसर के अंदर। महिलाएं पूरे भक्ति भाव से यहाँ भजन कीर्तन करते हुए आपको दिख रही होंगी। श्रावण मास हो भाद्रपद मास हो, इन दोनों महीनों में सभी के द्वारा पूरा सिवनी जिला भक्तिमय हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन भी कर रहे हैं। रात 12 बजे ऐसा लग रहा है दिन के 12 बजे हों। कृष्ण कन्हैया मुरली वाले का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और भक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। भक्त रात 12 बजे भी पूरी तरह उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी मोहक प्रतिमा आपको दिख रही है भगवान श्री कृष्ण की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय श्री कृष्णा। इजाजत लेते हैं। जय हिंद।